हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पुट्टी कराने के बाद पहले पेंट कराएं या फिर प्राइमर। तो फ्रेंड, इस वीडियो में जो है आपको पूरा डिटेल के साथ जो है वीडियो शेयर करूंगा। तो फ्रेंड, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो फ्रेंड, मेरा नाम है सोनू और आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सोनू पेंटर को। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि पुट्टी कराने के बाद जो हम प्राइमर करें या फिर पेंट, तो पहले अगर बात करते हैं कि हम पुट्टी पे प्राइमर नहीं कराएंगे तो पेंट करवाना चाह रहे हैं तो आपको किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है अपने दीवार के लिए, ये भी आपको पूरा डिटेल के साथ जो है बताऊंगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर मान लीजिए कि अपने दीवार पे जो है आप प्राइमर नहीं कराना चाह रहे हैं तो उससे आपको बहुत ही नुकसान होने वाला है। तो पहला मैं बता देता हूँ कि अगर आपका दीवार पर पुट्टी कर दी है तो उसके बाद क्या होगा फ्रेंड, कि एक या दो साल के बाद जो है पुट्टी जो है पपड़ी बन के गिरने लगेगा दीवार से, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा में हो गया कि आपका दीवार जो है रफ ही रहेगा, स्मूथ कभी भी नहीं होगा, मुलायम जो आप सोच रहे हो कि दीवार आपका मुलायम हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपका दीवार जो है बिल्कुल रफ रहेगा, अच्छा कभी नहीं लगेगा देखने में। और उसके बाद जो है फ्रेंड, कि आपका जो पेंट है ना, अगर आप पेंट कराइएगा कोई भी कलर, आपका पेंट अगर करवा रहे हैं उसके बाद क्या फ्रेंड, कि महीने दो महीने के बाद जो है कलर फ्रेंड आपका कलर जो है हल्का होने लगा, यानी लाइट कलर होने लगेगा, ठीक है, उससे भी यानी कि आपको बहुत ही दिक्कत होने वाला है। तो फ्रेंड, अगर आप प्राइमर कराते हो ना, उसके बाद उसका जो फ्रेंड पेंट का जो कवरिंग है ना बहुत ही ज़्यादा फैलेगा और उसके बाद दीवार जो है फ्रेंड बहुत ही स्मूथ यानी नज़र आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छा यानी आपका रूम जो है देखने को मिलेगा। तो बेहतर रहेगा कि आप पुट्टी कराने के बाद है एक और जो है फ्रेंड आप पहले प्राइमर करवाइए और उसके बाद ही कोई अच्छा सा जो है कंपनी का पेंट करवाइए, ठीक है। फ्रेंड, कितने लोग कन्फ्यूजन रहते हैं कि पुट्टी कराने के बाद कितने दिन के बाद जो है पेंट करवाना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पुट्टी कराने के बाद जो है फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं कि जल्दी घर को फिनिशिंग करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, की पुट्टी कराने के बाद जो है अब एक और जो है पहले प्राइमर करवा दीजिए और उसके बाद जो है फ्रेंड आप एक या दो दिन के बाद जो है आप पेंट करवा दीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका बजट कम है, ठीक है, तो आपको क्या करना फ्रेंड, कि अगर आपको जो है पुट्टी कराने के बाद एक और जो है रोलर से प्राइमर करवा दीजिए और प्राइमर कराने के बाद जो है आप महीने दो महीने के बाद यानी कि साल भर के बाद अगर पेंट कराते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फर्क बस इतना ही है फ्रेंड, कि आपको जो है पुट्टी कराने के बाद जो प्राइमर आप करते हो फिर से आपको एक साल के बाद जो है फिर एक और जो है आपको प्राइमर करवाना पड़ेगा। उससे क्या होता है फ्रेंड, कि आपका जो दीवार जो रफ हो जाता है उसको स्मूथ कर देता है और उसके बाद अगर आप पेंट कराते हो ना तो उसकी जो घर की फिनिशिंग होगी, कलर की फिनिशिंग होगी, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय जय।